दोस्तों 3-0 से मिली हार तो श्रीलंकाई दिग्गजों ने भड़कते हुए कोहली रोहित पर कह गए कुछ ऐसा कि सुनकर पूरा भारत हुआ आग बबूला। लेकिन मलिंगा ने जो कहा वो सुने बिना तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि दिल जीत लेने वाली बात उन्होंने कही है। तो आप सभी अंत तक वीडियो को देखना, लेकिन उससे पहले अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैन हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज अब समाप्त हो चुकी है और इस वनडे श्रृंखला को टीम इंडिया ने अपने नाम भी कर लिया है, क्योंकि भारत ने तीसरा वनडे मुकाबला 317 रनों से जीता और 3-0 से अजय बढ़त हासिल करने के बाद भारतीय टीम ने श्रीलंका की टीम को आखिरकार दिखा दिया कि उनके खिलाफ भारत के मैदान पर जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हालांकि भारत की टीम ने तीसरे वनडे मुकाबले में 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 390 रन बनाए थे और श्रीलंका की टीम को लक्ष्य मिला था 391 रनों का। एक समय पर तो लग रहा था कि श्रीलंका की टीम जरूर यहां भारत को चुनौती देगी, क्योंकि यहां पर भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने जहां 42 रन बनाए थे तो वहीं शुभमन गिल ने शतक लगाते हुए 116 रनों की पारी खेली और वहीं विराट कोहली 166 रन बना पाए थे और इन्हीं की बदौलत 390 रन टीम इंडिया बना चुकी थी। श्रीलंका की टीम को एक अच्छी और दमदार शुरुआत करनी थी बीच मैदान पर, जिसके चलते ये जो लक्ष्य उनको मिला था वो और भी घट सकता था। लेकिन दोस्तों यहां पर भारतीय टीम की तरफ से क्या देखने के लिए मिला, भारतीय गेंदबाजों ने यहां अपना दमखम दिखाते हुए श्रीलंका के बल्लेबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया इस मैच में वापसी करने का, जहां नुवानिदु फर्नैंडो श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा 19 रन बना पाने में कामयाब हुए और श्रीलंका की टीम ने यहां एक के बाद एक अपने विकेट गंवाते हुए मात्र 73 रन तक की बल्लेबाजी की। और इस बीच भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए तो वहीं मोहम्मद शमी को 2 और कुलदीप यादव को भी 2 विकेट मिले और टीम इंडिया ने मैच 317 रनों से अपने नाम किया। हालांकि भारतीय टीम की जीत के बाद अब श्रीलंकाई दिग्गजों ने भारतीय टीम की 3-0 से जीत पर बात करते हुए कहा। यहां पहला बड़ा बयान निकल कर आता है वो है कुमार संगकारा का, जो कहते हैं कि भारत हमारी श्रीलंका की टीम से अब कई गुना ज्यादा मजबूत है। एक समय ऐसा होता था जब हम भारत को ऐसे ही हरा देते थे, लेकिन अब भारत जैसी टीम को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि हमारे खिलाड़ियों के लिए नामुमकिन हो गया है। विराट कोहली ने 166 रन जड़ डाले, शुभमन गिल ने 116 रनों की पारी खेली। आखिरकार इस मुश्किल पिच पर भी क्या ये मजाक चल रहा था जो भारत के बल्लेबाज ऐसी पारी खेल रहे थे। मैं मानता हूं कि विराट कोहली के खिलाफ अगर अपील की जाती तो वो 10 रन पर ही आउट होते, लेकिन उनको एम्पायर ने बचाया। लेकिन खैर जो भी हो, हम इस गलती से जरूर बहुत कुछ सीखेंगे और भारत की टीम को इस बार वनडे वर्ल्ड कप में जरूर चुनौती देंगे। वहीं अगला बयान निकल कर आता है वो है महिला जयावर्धने का, जो कि कहते हैं भारत ने अच्छा खेल दिखाया, विराट कोहली ने पूरी ही सीरीज में हमारी टीम के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया और हम चाहते थे कि हमारी टीम अपने आप में सुधार करे और रोहित शर्मा विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को जल्दी ही आउट करें, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने अच्छा खेल नहीं दिखाया इसलिए हमें हार मिली। मानता हूं कि मैच हमारे पाले में आ सकता था लेकिन हमारे बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही फिसड्डी निकले। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में जो निकल कर आता है वो है लसित मलिंगा का, जो कि कहते हैं आखिरकार न जाने हमारी श्रीलंका की टीम को हो क्या गया है, ना तो हम अपनी गेंदबाजी से प्रहार कर पा रहे हैं और ना ही बल्लेबाजी में। हमने पूरी कोशिश कर ली भारत को हराने की लेकिन हमें ही हार मिल रही है। आखिरकार टीम में अब बदलाव की जरूरत है और विराट कोहली रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी जब आपके सामने खेलते हैं तो आपको सतर्क रहना पड़ता है और हमारे खिलाड़ियों की ना तो फील्डिंग अच्छी है और ना ही गेंदबाजी और भारत के खिलाड़ी हम लोगों से 10 गुना आगे हैं। तो दोस्तों यहां पर श्रीलंकाई दिग्गजों ने तो काफी बड़ी बातें कही, बाकी दिग्गजों का बयान भी आप सब यहां पर देख भी सकते हो। लेकिन उससे पहले अब आप सभी क्या मानते हो कि ये दिग्गज श्रीलंका के जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है या फिर गलत, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।